बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारी फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर सीरीज को आगे लेकर जाने वाले हैं, जिसमें हम हमारे सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस को पढ़ रहे थे, जो कि लेक्चर नंबर 12 में हमने मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के डिवाइसेस को, यानी कि पार्ट टू जो था सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस का, उनको डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम लेक्चर नंबर 13 में हम देख लेते हैं कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में हम जो डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं वो भी हैं मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस, जिसमें हमारे पास दो जो मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस हैं वो इस्तेमाल होते हैं, एक मैग्नेटिक कार्ड और दूसरा स्मार्ट कार्ड। इनको मतलब इनको और इनके वीडियोस को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चले आए अपने लेक्चर की तरफ, हम चलते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, उसको हम पढ़ते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड क्या काम करती है, तो ये आपको एक सबसे पहले पिक शो करवा देते हैं। ये वो डिवाइस है जो आपके मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड को रीड करने का काम करती है, और ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड का। इसके अलावा फर्दर आपको अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी फॉर्म्स में, बहुत सारी शक्लों में, ये आपके घर पर भी मौजूद होंगे, आप उसे देख सकते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड क्या होता है, वो कहते हैं इट हैज मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक। वो कहते हैं इसकी बैक साइड जो होती है उसके ऊपर मैग्नेटिकली डाटा जो होता है वो उसके ऊपर इनकोडेड क्या होता है, लिखा हुआ होता है, जो भी डाटा होता है। मैग्नेटिक का वर्ड जो है उसके दिमाग, आपके दिमाग में मैग्नेट आ जाता होगा, जिसके अगर आप देखा हुआ है तो उसकी एक साउथ पार्ट होता है और एक उसका नॉर्थ पार्ट होता है, वो आपस में मिलते नहीं है। मतलब साउथ पार्ट जो होता है, अगर आप साउथ पार्ट से जुड़ोगे किसी और तो वो नहीं जुड़ेगा, तो वो अपने ऑपोजिट वाले पार्ट को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उसी तरह की कुछ टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, जो इन डाटा जो है वो मैग्नेटिकली इनकोड किया गया उसमें। यूजेस इसके क्या क्या रहे हैं, ये मैग्नेटिक जो होता है प्लास्टिक कार्ड बना होता है, जो पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं हमारे, वो भी हम कह सकते हैं इन्हें। उसके अलावा मैग्नेटिक स्क्रिप्ट कार्ड जो होती है, ये पर्सनल डिटेल वगैरह को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो उस कार्ड का ओनर होता है उसकी। उसके अलावा इट इज यूज टू एक्सेस सिक्योर इन्फॉर्मेशन, ये मतलब इस्तेमाल होती है आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको सिक्योर करने के लिए, जैसे बैंक का अकाउंट हो गया और उसकी डिटेल वगैरह होगी, उसको ये सिक्योर करने के लिए आप मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड को यूज करते हैं। यहाँ पर आपको वही एक खाका शो करवाया जा रहा है। अगर आपको अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसकी बैक पे जो ब्लैक कलर की पट्टी होती है ये आपको शो हो रही है, तो इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक जो होते हैं या मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा जो होता है वो इसमें डाला जाता है। तो इस तरह से ये कुछ मैग्नेट बने हुए होते हैं, जिसके माउथ और सोर्ट पाउट जो पार्ट होता है उसको देखकर, मतलब वो उसके लिहाज से ऑफ एंड ऑन बिट का काम करते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल साउथ पार्ट को वो वन कंसिडर कर रहे हैं और नॉर्थ पार्ट को वो वन कंसिडर कर रहे हैं, तो जैसे ही अपनी शेप को बदलेगा कि कभी नॉर्थ पार्ट ऊपर हो जाएगा कभी साउथ पार्ट ऊपर हो जाएगा, तो उसके लिहाज से वो एक बाइनरी नंबर लिखेगा 01 की फॉर्म में, जिसको जो उसका डिवाइस है, जो रीडर है इसका मैग्नेटिक कार्ड का, वो उसको रीड करके कंप्यूटर में डाल देगा कि ये इसका बाइनरी नंबर बन गया, अब इससे फर्दर इंफॉर्मेशन तुम निकाल कर दे दो। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं हमारा स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं। स्मार्ट कार्ड जो होते हैं ये ATM कार्ड की तरह ही बिल्कुल हमें शो हो रहे होते हैं। ये मुश्तमिल होते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप पर मुश्तमिल होते हैं, जो जिसमें जो भी डाटा होता है वो इसी में, इसी चिप में एम्बेडेड किया हुआ होता है। द कार्ड इज इंसर्ट इनटू अ स्पेशलाइज्ड कार्ड रीडर, ये खास किस्म का एक कार्ड रीडर बना होता है, उसके अंदर आप ये कार्ड डालते हो जो इसकी इन्फॉर्मेशन को स्कैन करके अपने पास रखता है और फिर कंप्यूटर को देता है। कार्ड रीडर कैन रीड एंड अपडेटेड कंटेंट, वो कहते हैं कि जो कार्ड रीडर होता है वो इसको पढ़ता है और इससे रिलेटेड अगर कोई कंटेंट वगैरह आ रहे हैं तो उसको भी इंफॉर्मेशन के तौर पर आगे पास करता है। ये आपको एक कार्ड नजर आ रहा है स्मार्ट कार्ड, जिसमें आप देख रहे हो कि माइक्रो प्रोसेसिंग चिप लगी हुई है, इसके अंदर आपकी डिटेल्स वगैरह जो होती है वो इसको महफूज करके रख लेते हैं, ताकि आगे कभी जरूरत पड़े तो या अपडेट करना पड़े तो वो इस चिप के जरिए आपके कार्ड को अपडेट कर देते हैं। एग्जाम्पल इसकी कौन कौन सी है स्मार्ट कार्ड की, तो एग्जाम्पल आप ले लो हमारे मोबाइल फोन की जो सिम है वो भी इसकी एग्जाम्पल है।
एटीएम कार्ड है वो भी इसकी एग्जांपल है। आजकल ये माइक्रो प्रोसेसर की चिप जो है वो हमारे पास हमारे आईडी कार्ड्स पर भी लगी हुई आ रही है, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन महफूज होती है। स्मार्ट कार्ड आपको दिखा देते हैं, ये एक स्ट्रक्चर आपको स्मार्ट कार्ड का नजर आ रहा है, जिसके ऊपर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई है। ये उसका रीडर है, जिसके जरिए से आप स्मार्ट कार्ड की इंफॉर्मेशन को रीड करते हुए वो आपके डाटा को कंप्यूटर में डालता है, और फिर उसके बाद आपका जो भी डिटेल लेनी होती है वो कंप्यूटर लेकर दोबारा से रिजल्ट बनाकर इसको सेंड कर देते हैं। इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है आज का वो यहीं पर कंप्लीट होता है, और ये हमारा सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस का लास्ट टॉपिक था। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप फर्दर कुछ पूछना चाहते हैं कंप्यूटर के लेक्चर्स में तो आप कमेंट के जरिए हमें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।